मित्रं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद शोधर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाग्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया, हम लोग क्या वास्तव सत्य कथा हमें बोलनी चाहिए कि नहीं, ना लोगों का मन को रक्षा करने के लिए लोग जैसे चाहते हैं ऐसे बोले अपना मनमानी बना बना करके, ना शास्त्र में जो बात बताया ये बात को हमें स्पष्ट रूप में बतानी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते नहीं, हमें लोगों को मन को खुश करने के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए, शास्त्र में जो बात बताई गई वो बात को स्पष्ट रूप में हमें बतानी चाहिए। हमारा कहा कि वो वंचना ना करिया सकल निकट निर्भी सत्य कथा बोली वो जब हम शास्त्र की बात को छुपा करके बोलते हैं, इसका मतलब हो गया लोगों को वंचना करना है, लोगों को ठगना है, लेकिन उससे जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, कहते श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विषय। शास्त्र ये कहता है, समस्त शास्त्र में एक ही बात बताया, भजिए राम सब काज विसारी, सब छोड़ करके भगवान राम को भजन करनी चाहिए। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, तुम समस्त धर्म को हैं लौकिक व्यवहारिक कौलिक हैं इस इतने सारे व्यवहार को छोड़ करके क्या करो, ये वर्ण आश्रम सब छोड़ करके तू मेरे शरण में आ जा, आने से मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए मन मना भव, मन को और किसी को मत दो, मन केवल मुझे दो। मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बन, और किसी का भक्त मत बन। माम जाजी पूजा करना तो मेरी करो है, नमस्कुरु प्रणाम करना तो मुझे प्रणाम कर, बोले माम ऐसा सी फिर तो मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए शास्त्र कहता है क्या, भगवान की जो कथा है कहते हैं निर्भीक रूप में सच बात को बोलनी चाहिए। जैसे मेरे गुरुदेव ने गए पूर्व बंगाल में, फिर सीधा खड़े होकर गए जब इनको चांस दिया बोलने के लिए। उस समय में बंगाल में बड़ा अपप्रचार था, एक राम कृष्ण हुए हैं बोलते थे, यही जो जो राम वही कृष्ण, कलयुग में राम कृष्ण उसका नाम था राम कृष्ण, बोले त्रेता युग में जो राम था द्वापर युग में जो कृष्ण था वही राम कृष्ण दोनों मिलकर के अभी कलयुग में राम कृष्ण, उनको ये फिलोसफी था, बड़ा प्रचार है हैं। वो काली माँ की पूजा करता था, काली देवी की पूजा करता था राम कृष्ण, राम कृष्ण मिशन अलग अलग जगह पर खुला हुआ, उनका धर्म है
भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो है? कर भगवान ढूंढ रहे का भगवान तो तुम्हारे सामने घूम रहे, जितने जीव है ना नर ही नारायण है, उनका फिलोसफी है नर ही नारायण है। किसकी सेवा करो? इंसान को सेवा करो, उसके अंदर में भगवान है, इनको इंसान को सेवा करने पर नारायण का सेवा हो जाएगा। इसलिए जो जो कुछ क्यों नहीं करे सबके सब एक जगह पर पहुंच जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि तालाब है, अलग अलग नाले अलग अलग जगह आता है, लेकिन जाकर के मिल जाती है उसी तालाब में। उसी तरह तुम जो कुछ क्यों नहीं करो बस एक जगह पर पहुंचोगे है, सब बराबर है, सब बराबर है। इसलिए जब तो मत तब तो पथ, जगत में जितने मत है उतना ही पथ है, उनका इस सब फिलोसफी है। इसलिए हमारे गुरुदेव तो खड़े होकर के पूरा इसका विरोध कर दिया है। पहले वो पुजारी था, गुरुदेव बोल दिया तो मूर्ख पुजारी था, विवेकानंद ने बेकूफ ऐसे उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिए, जिसको सुन करके एकदम वहां भिक्षा के लिए गए। तो भिक्षा क्या मिलेगा वहां पर, तो ईट पत्थर सबके सब फेंकने लग गए, जूता फेंकने लग गए। ये गौरी मठ सर्व निंदुक है, ये गौरी मठ सबको ये निंदा करते है, ऐसे वहां पर बोल दी। एकदम जो सभा तो ताना छिन्न भिन्न हो गया सभा। इतने में वहां जो नेमी महाराज थे प्रभुपाद के पास में, टेलीग्राफ किया, प्रभुपाद जी ये सिद्ध स्वरूप मेरे गुरु जी का ब्रह्मचारी का नाम था सिद्ध स्वरूप, इसने सब प्रचार प्रचार सब गड़बड़ कर दिया, लोग कोई भिक्षा नहीं दे रहे, सब जगह में गौरी मठ बोलकर अपप्रचार हो गया। ये सबको निंदा करते है, जो भगवान राम कृष्ण है उसको है उसको बोल दिया ये मूर्ख पुजारी। और जो विवेकानंद उस समय उसको बहुत बड़े साधु मानते थे है, इसको बोल दिया विवेक विवेकानंद बोल दिए। और जिसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला, क्या नाम? सिद्ध स्वरूप मेरे लाख रुपया की प्रचार कर दिया। उस समय लाख रुपया बहुत कीमती है, लाख रुपया मतलब करोड़ रुपया से ज्यादा है, प्रचार मेरा कर दिया है, इसलिए कोई चिंता मत कर मैं आ रहा। बस आ करके फिर सब लोग बुलाया, उनका गुरु जी आ रहे हैं, सब लोग को फिर उन्होंने निमंत्रण दिया है, अब लोग सबके सब आओ है, अब लोग सबके सब आओ। फिर जब आए फिर मेरे गुरुदेव को खड़े किया, गुरुदेव ऐसे उतर दिया सबको, ऐसे उन्होंने उतर दिया। क्योंकि पहले मेरे गुरुदेव मठ में आने से पहले तो विवेकानंद को मानते थे ना, विवेकानंद को क्या मानते थे, विवेकानंद को बहुत बड़े साधु मानते थे विवेकानंद, और रामकृष्ण को भगवान मानते थे। इसलिए मेरे गुरुदेव आर्य समाज वाले भी मानते उनको, इसलिए गुरुदेव पहले उसमें लीडर थे, गुरुदेव जब भक्ति से आने से पहले उसका लीडर थे, क्योंकि उनको ही सबसे बड़े साधु मानते थे। राम गुरुदेव कॉलेज में जब पढ़ रहे थे उस समय में, वहां के जैसे मेंटर होते हैं ना, लीडर थे गुरुदेव। इसलिए फिर गुरुदेव खड़े किया, गुरुदेव सारे फिलोसफी को जानते थे। फिर जब गौड़ीय मठ में आए, फिर यहाँ पर आ करके जो गीता भागवत प्रभुपाद की संगत की पता चला सही धर्म क्या है सभी कुल सा पर धर्म जत भक्ति अधिक सजी। इसलिए शिव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना है। तो गुरुदेव खड़े तो जो बोले आप लोग तो उस समय से गीता रामायण भागवत पढ़ते थे लोग उस समय में सबके सब, पहले जितना टीवी स्मार्ट फोन नहीं होता था, पढ़ते थे गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। फिर गुरुदेव एक एक शास्त्र को उठा उठा कर जो बोले वो कहता है जगत में जितने सब जीव भगवान कहाँ ढूंढ रहे, भगवान तुम्हारे सामने घूम रहे, ये तो जितना जीव सबके सीव है यही तो भगवान है, नर नारायण उनका फिलोसफी क्या है, नर नारायण नर ही नारायण है। बोले आप लोग मानते हो नर नारायण, नारायण कौन है जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, नर जीव क्या है, भगवान को भूलने का वजह से ये संसार में आकर के कर्म फल का अधीन होकर के हैं, कभी दुखी कभी सुखी, कभी नर्क जाता है कभी स्वर्ग जाता है, कभी कीड़े मकोड़े
कि ये सब जीव कर्म फल का अधीन में संसार में भटक रहा है जीव। कहां भगवान नारायण सर ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, सर ऐश्वर्य संपन्न है, समग्र से श्रेय ज्ञान वैराग्य शरणा, जिनके अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में हो भगवान है, समस्त ज्ञान समस्त वैराग्य समस्त श्री समस्त ऐश्वर्य समस्त पराक्रम वीर्य, कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक। और क्या बोल दिए, कहते नर ही नारायण जो कर्म फल में संसार में दुख कष्ट वो कर रहे। इसलिए शास्त्र ने बताया ब्रह्म रुद्रा दे देवते समत्वेन विकसत सपाखंडी भरवे दुर्भ। जो व्यक्ति यहाँ तक भी ब्रह्मा शंकर जी को भी भगवान को साथ में बराबर करते हैं, वो पाखंडी है, वो पाखंडी मानी गई। कहाँ भगवान है कहाँ जीव है, और क्या बोल दिया जीव ही शिव है, है? इसलिए कितना बड़ा अपराध है। इसलिए और जो कुछ अगर एक जगह में जाके जाएंगे, आप लोग गीता तो पढ़ते हो तो पढ़ते थे, कृष्ण गीता में क्या बोले, बोले जाति देवा प्रता देवा पितृ जाति पितृ बता भूतान जाति भूतिया जाति माम जाजना विमा। भगवान कहते जो जैसे करता है वो वैसे लोग में जाएगा, भूत सेवा करेगा तो भूत लोक में जाएगा, इसलिए अगर देव सेवा करेगा देवता लोक में जाएगा, पितृमातृ सेवा करेगा तो पितृमातृ लोक में जाएगा। लेकिन खिन्न पुण्य भरत लोग विसरंती, उनका पुण्य खत्म होते ही फिर यही आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं जब तत्व नाथनी परतंत्र तद धाम परम मम, जो काम करने से एक बार मेरे पास में आने से जीव कभी संसार में आना नहीं पड़ता, नित्य काल के लिए परम शांति परम आनंद को प्राप्त करना है, कृष्ण गीता में ये बोलते हैं, हैं? इसलिए सब बराबर कैसे उदाहरण दिया, जैसे प्लेन में ऊपर उठ जाओ चढ़ जाओ ऊपर चले जाओ तो सब बराबर दिखता है, और सब बराबर दिखता है बराबर क्यों, तुम्हारी दृष्टि शक्ति कम है, सब बराबर थोड़ी हो जाता है, सब बराबर कुछ नहीं होता है, हैं? सब बराबर नहीं हो जाता है। और जो कुछ कर एक जगह में पहुंच इसलिए उनको जो जो फिलोसफी था ना एक एक कर ऐसे खंडन करके बोल रहे थे गीता से भागवत से उदाहरण दे करके, बोले जितना मत है उतना पथ है, हैं? जितना जो जो मत है बोले नहीं, शास्त्र कहता है महाजन जन गत सपन था, इसे वेद विभिन्ना स्मृत विभिन्न नासो मनिर जैसे मतम न भिन्न धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन जैन गत सपन था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वेद विभिन्न स्मृति विभिन्न ऐसे मुनि नहीं जिसका मत अलग नहीं लेकिन पथ एक ही है, हमारे महाजनों ने जो रास्ता को अपनाया। महाजन कौन है, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जन विष्णु बलि भैया सखी भयम, ये जब महाराज कहते हम बारह महाजन है, इनको जो अनुसरण करते इनका मार्ग ही एक मार्ग है, है? और विवेकानंद ने क्या बोले, बोले अरे तुलसी पेड़ में पानी देने से क्या होगा फुटबॉल खेलो, इसलिए तुलसी पेड़ में पानी देने से क्या होगा, पानी देना तो बैगन का पेड़ में पानी दो फल देगा तुलसी क्या देगा। कहां वृंदा देवी कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमो नमो, कहां भगवान की भक्ति प्रेम को देने वाले हैं, कहां बैगन पेड़ और कहां तुलसी पेड़, क्या हमारे देवता को ऐसे निंदा किया। हिंदू हिंदुओं का घर घर में तुलसी, हमारे हिंदू लोगों का घर घर तुलसी गोविंद पूजा दर्शन गोविंद जी को, कहां तुलसी साक्षात लक्ष्मी देवी, और कहते इनकी इनके पानी देने से क्या होगा, ये सब पाखंड मत है। उन्होंने ऐसे गुरुदेव ने उनका उत्तर गुरुदेव ने दिया है ना, अरे गौरी मटका जय जयकार हो गया पूरा 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 जय जयकार, नहीं ये जो बोल रहे है ये सब सही बोल रहे है, लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं नहीं सच बोलो, लोगों को मन को रक्षा करने के लिए बोलोगे तो अपना भी कल्याण नहीं और उनका भी कल्याण नहीं, इसलिए हमको सच बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद किसने बोला ना, प्रभुपाद दो चीज को अगर छूट दे दो सारे संप्रदाय आकर के आपकी संप्रदाय में मिल जाएगी, कहते कि बीड़ी सिगरेट को चाय को ये दो चीज छूट दे दो कोई बात नहीं, बीड़ी सिगरेट पियो चाय पियो। प्रभुपाद कहते हैं हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है, जो एक चंद्रमा
सारा दुनिया को आलोकित कर देता है, लेकिन एक हजार लाख करोड़ तारा भी आलोक नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोगों को हमको सही चीज भगवान के बारे में बतानी चाहिए, भगवान की भक्ति करो, गंदी चीज से दूर रहो है। इसलिए कली का जहाँ स्थान है कली से दूर रहो और शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, लोगों को सही मार्ग दिखानी चाहिए। इसलिए कहते निर्भीकत होकर के सच बोलनी चाहिए। जिबेर प्रकृत मंगल जाते है से रूप सत्य तथा अप्रिय है लो बलित है वे यहाते भूत वेग है ना। यहाँ पर कहते हैं वास्तव रूप में जीव का जो कल्याण है वो बात हमें बोलना पड़ेगा। ऐसे अप्रिय सत्य कथा कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, हैं? लोगों को अच्छा नहीं लगता है, प्याज छोड़ो, चाय छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, हैं मांस मछली छोड़ो। इसको सुनते ही तो जो मांस मछली खाते हैं, अभी हम गए थे प्रचार करने के लिए, एक माता जी थी उड़ीसा की थी, उनको देश में तो मांस मछली रोज ही खाना, बस हम यहाँ बोल दिए मांस मछली नहीं खानी चाहिए। ओ सुन लो, मांस मछली कैसे छोड़ेंगे, इसके बगैर कैसे काम कैसे चलेगा है। इसलिए हमने थोड़ा उदाहरण दे दिया कैसे सूरत राजा थे, कैसे जीव हिंसा करते थे, जीव को बलि देते थे, तो मरने का बाद नारद कैसे दिखाया उसको, शरीर को टुकड़ो टुकड़ो कैसे काट रहे थे है। वो बोल दिया तो बोले हाँ हमको सबको सामने निगलेक्ट कर दिया, हम सबको सामने हमें निगलेक्ट कर दिया। इसलिए कहते सही चीज बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सौभाग्यवान व्यक्ति तो होगा, बंगाल में तो सबके सब बंगाल उड़ीसा में मांस मछली खाते हैं, हैं मांस मछली खाते हैं, जो जिंदगी भर जिसके बगैर उनको काम ही नहीं चलेगा, रोज खानी चाहिए, नहीं तो उनका भात ही नहीं खा सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर वहां पर अगर उनकी मनमानी वो जैसे चाहते हैं अगर वैसे बोलोगे तो कल्याण कैसे होगा, कल्याण होगा नहीं। इसलिए अगर सही बात अगर बोलेंगे जो सौभाग्यवान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ये चीज को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके क्या करेगा फिर भगवान की भक्ति में लगेगा। जो बंगाली लोग है ना मांस मछली छोड़ना उनके लिए बड़ा कठिन है, पहले तो छुटेगा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक बार छोड़ देते है ना फिर तो पक्के भक्त बन जाते, फिर तो एकनिष्ठ भक्त बन जाते, फिर तो खूब सेवा करते। जैसे नोएडा में हमारे बंगाली दादा देखो पहले खाते थे, अभी दोनों पति पत्नी दिन रात मंदिर में आकर के दिन रात दोनों आकर के सेवा करते हैं। इसलिए कहते अगर सच बात बोलेंगे सौभाग्यवान जो व्यक्ति होगा जो ये चीज को समझेगा एक ना एक दिन सच बात को समझ कर क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को भजन करेगा। इसलिए पृथ्वी सकल यहाँ पर कहते यहाते भूतत वेग है ना, भूतत वेग मतलब जैसे कोई व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, अगर हम उसको खंडन करें जिंदगी भर जो खाते खाते आ रहा है फिर उसको बड़ा उद्वेग मिलेगा, नहीं मांस मछली को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मांस मछली खाने से अगली बार तुमको फिर वही मांस मछली बनना पड़ेगा, मीट मी ईट ईट मी, जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को फिर दोबारा खाएगा हैं। कभी कभी जो खाते हैं ना अगर वो चीज को अगर ऐसे बोलोगे तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं भैया नहीं भूतत वेग नहीं होगा, यद्यपि देखने के लिए क्या लगता है उसको बड़ा कष्ट लगा, हाँ बड़ा कष्ट लगा, लेकिन कहते नहीं ये आत्मा की सही धर्म है, ये आत्मा का धर्म है भक्ति करना। लगता है जैसे उसको उद्वेग मतलब कष्ट लग रहा है, लेकिन नहीं जैसे किसको पड़ा हो गया, डॉक्टर क्या कहता है देखना उसको हाथ पैर को पकड़ लेता है, पकड़ करके उसको चीर फाड़ जब करता है ना बड़ा कष्ट होता है, चीर फाड़ करते समय वो चिल्लाता है गाली देना लगता है, हाँ तुम क्या कर रहे हो हम फाड़ कार कर रहे, लेकिन जब उसको दवा दर देकर सही कर देता है ना फिर खुश हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहता है सच बोलो, सच बोलने से अगर किसको कष्ट होगा तो, लेकिन जब वो सही हो जाएगा ना जब भक्ति में आ जाएगा फिर पता चलेगा भैया हम कितने गलत काम कर रहे थे, नहीं हमारे लिए सचमुच से हमारे लिए मंगल ही किया है। वास्तव सत्य
अनुसंधान करा दरकार, खुद जीवन में जो वास्तव जो सत्य है उसको हमें अनुसंधान करनी चाहिए। पृथ्वी सकल लोकर मंगल की रूपे है वे सही चिंता करा प्रयोजन। इसलिए जो वास्तव जो साधु है वो सोचता है जीव का वास्तव कल्याण कैसे होगा, ऐसे नहीं चिकनी चुपड़ी बात बोल करके हैं, उनके मन जैसे चाहते चिकनी चुपड़ी, हाँ जो तुम खाना खाना पिया लहसुन खा रहे हो खाओ, मांस मछली खा रहे हो खाओ। बंगाल में ऐसे कुछ लोग है, बोले क्या आत्मा चाहता है तो आत्मा, वो मन आत्मा में कोई फर्क नहीं समझता है, तुम्हारा आत्मा चाह रहे ना मांस मछली खाने के लिए खाओ ना, आत्मा चाह, आत्मा को क्यों कष्ट दोगे। लेकिन वो मन है, वो दुष्ट मन चाह रहे, आत्मा तो भगवान के अंश, इसलिए वो तो एक ही चीज चाहता है, सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक सजे, वो तो यही चीज चाहता है भक्ति भक्ति करना। लेकिन जो दुष्ट मन ये क्या चाह रहा है, ये मांस मछली खाना। लेकिन वो क्या कहता है, अरे तुम्हारे आत्मा को कष्ट दे रहे हो, आत्मा चाह रहा है मांस मछली खाने के लिए, आत्मा नहीं चाह रही है, दुष्ट मन चाह रहा है। आत्मा का एक ही धर्म है भगवान की भक्ति करना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया सच बात को बोलो, नहीं तो जीव का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। दृढ़ प्रतिज्ञा है या निजेर अपरे मंगल करता है वे, केवल वर्तमान जुगेर मनुष्य जन्म नय सकल जुगेर सकल मनुष्य अनंत कालेर मंगल जन्म चेष्टा करता है वे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं केवल अभी के लिए नहीं, भविष्य में जो आएगा आने वाले सबका कैसे कल्याण होगा। जैसे भागवत लिखी गई, व्यास देव किस लिए ये भागवत लिखे, कारण क्या, देखा जीव कैसे भगवान से विमुख होकर के कैसे माया के प्रति धावित हो रहा है, और माया जितने उसको पिटाई कर रहा है ना, है माया जितने पिटाई करता है उसको वैराग्य नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा चिपकता है। सर में देखना संसार का सेवा सब करें हम, बेटा बेटी नाती बहू पति सबका सेवा हम करते थे, सब काली सुनना पड़ता, सुनते ही नहीं, कर रहे हैं सबकी सेवा हम, तीन बार कर रहे हैं हमको सुख के लिए, सुख किया सबका गाली सुनना पड़ना, आज तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया हमारे लिए, तुमने ये नहीं किया, मेरे लिए साड़ी नहीं लाया, मेरे लिए ये नहीं लाया, तुम हमने ऐसे बोल दिया। देखो ना कर रहे हो सेवा, लेकिन डंडा क्या पड़ रहे, सबकी डंडा खा रहे, कर रहे हैं सबकी सेवा डंडा खा रहे हैं सबकी, तभी ये जीव का माया से जो विरक्ति होगा वो जीव को विरक्ति नहीं बल्कि और ज्यादा उसमें चिपक जाता है, और ज्यादा चिपक जाता है। इसलिए व्यास देव जी ने देखा ऐसे कल्याण नहीं होने वाले नहीं, फिर क्या करना पड़ा, जीव को शुद्ध भक्ति के बारे में जीव को बताना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति को बारे में बोलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये भागवत ग्रंथों को लिखे, जो भगवान की भक्ति भक्तों की भक्ति भगवान की सेवा भक्तों की सेवा से जीव का कल्याण है। फिर जीव कल्याण करने के लिए उन्होंने ये भागवत ग्रंथों को उन्होंने रचना किया। अगर ये भागवत ग्रंथ रचना नहीं करते, वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते, गीता नहीं लिखते, तो क्या होता, हमारा क्या कल्याण होता। इसलिए उन्होंने सर्वकाल के लिए हर समय के लिए जीव का कैसे कल्याण हो ये चीज को सोच करके उन्होंने ये समस्त ग्रंथ आदि को उन्होंने रचना की है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा है या निजेर वो अपर मंगल करता है, केवल वर्तमान जुगर मनुष्य जन नय केवल अभी की लोग के लिए नहीं, सकल जुगर सकल मानुषे अनंत काल मंगल जन चेष्टा करता है वे। अनंत काल के लिए कैसे जीव का कल्याण हो उसी के लिए चेष्टा करना पड़ेगा है। बस जब भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे, जीव जब शुद्ध भक्ति करेंगे क्या होगा, कृष्ण कहते जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से जीव दो बार संसार में आना है वो मेरे धाम है, वो केवल भगवत भक्ति से ही मेरे धाम को कोई आ सकता है, और कोई उपाय नहीं जो मेरे पास में जीव आ सकते हैं। जे स्थान है ते कौन दिन फिरिया आशित है वे ना, सही सुख हमारे वैकुंठ राज्य कथा ये सकल के बलित है वे। जाने पर जीव कभी दो बार वापस नहीं आएगा, वैकुंठ जगत का बात बताना पड़ेगा, सही अपराधित जगत कथा अपर के जाना ही ले है ले हमारे श्री गुरु पदाश्रय लाभ कर एकांत आवश्यक।
फिर अगर हम वो अपराकृत वैकुंठ जगत का बाद लोग वतन के लिए जाएंगे तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, हमें सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए गुरु भी तो एक नहीं, कहते एक लौकिक गुरु है, एक कुल गुरु है, एक व्यवहारिक गुरु है, एक परमार्थ गुरु है। ये जो लौकिक व्यवहारिक इन्हीं गुरु से कल्याण नहीं होने वाले हैं। हम ग्रहण करना पड़ेगा, हमें सदगुरु ग्रहण करना पड़ेगा, शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए हुए हैं ऐसे गुरु को ग्रहण करना पड़ेगा। बंगाल में प्रचलित है भाई गुरु तो करनी चाहिए, लेकिन जितने सहजिया तहजिया गुरु नगर बैठे हैं, सहजिया आउल बाउल नेड़ा नारी है दरवेशाई सखी लकी स्मार्त जात गोसाई चूड़ाधारी गौरा नागरी, ये उल्टा पुल्टा बंगाल में इतने ऐसे गुरु प्रचार है ना, अब सोच नहीं सकते हो। जितने गुरु करने चाहिए बस कहीं जा करेंगे, और लोग क्या चाहते हैं हमारे सब कुछ काम हो जाए, गुरु ग्रहण भी हो जाए, मांस मछली खाना भी हो जाए, ऐसे गुरु के पास में जाओ जो किसी चीज को मना नहीं करे। जब हम लोग प्रचार के लिए बंगाल जाते हैं ना, बड़ा गड़बड़ी होता है, बोले अगर आपका क्या संप्रदाय है मांस नहीं खाएंगे मछली नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या है, प्याज भी मना कर देते हो, चाय भी मना कर देते हो। जब ये सब चीज सुनते तो हमारे गुरु तो किसी चीज को खाने के लिए मना नहीं करते, जो कुछ खाना खाओ, आत्मा चाह रहे खाओ है, आत्मा खा रहे चाओ, जो इच्छा खाओ, और थोड़ा प्रभु का सोने से पहले थोड़ा हरिनाम कर लो, ठाकुर का नाम ले लो, और तुम लोग बोलते दिन भर हरिनाम करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की नाम करो, भजन करो, ये कौन सा रास्ता, एक नया रास्ता क्या निकाल दिया। नहीं, हमारे गुरु तो बढ़िया गुरु है, हैं? वहां पर किसी चीज के मना नहीं। हाँ लोग जाते, आप देखना कुछ जगत में ऐसे है, जिनको कहती सत्संग डेरा है, सत्संग डेरा, सच्चा डेरा, सच्चा डेरा, सत्संग डेरा। आप देखना हजार लाख लोग वहां जाते हैं, लाख लोग जाते हैं, क्यों, कुछ करने का जरूरत नहीं है, लोगों की कोमल श्रद्धा है, जो कुछ करना करो बस आ जाओ है, आ जाओ, जो कुछ करना करो आ जाओ, प्याज लहसुन जो कुछ दारू खाओ, जो कुछ पीना पियो, सब कुछ कर लो बस आ जाओ। लोगों को क्या लगता है, अरे हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, सत्संग नहीं वो असत्संग है, वो सत्संग नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए हमें भगवत प्राप्त करने के लिए जो चार जो वैष्णव संप्रदाय बताया गया है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, हैं संप्रदाय विना जे मंत्रास्ते विपलमता, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय न, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव अतिथि पावना चत्वारस्ते कलो भव्यात् उत्कल पुरुषोत्तम। शास्त्र में बता दिया पहले, अगर तुमको भगवत भक्ति करना, अगर मेरे पास में आना तो मैं ये चार वैष्णव संप्रदाय को मैंने बनाया, चार वैष्णव संप्रदाय बनाया, इसलिए अगर तुमको भक्ति करना तो चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय में तुम्हें अंतर्भुक्त होकर के तुमको दीक्षा मंत्र लेना पड़ेगा, तभी तुम मेरे पास में आ सकते हो। हैं? अगर ये संप्रदाय छोड़कर अगर कहीं जाओगे, शास्त्र बोल दिया तुमको भगवत प्राप्त नहीं होगा, मना कर दिया, भगवान तुमको मिलेंगे नहीं, शास्त्र ने पहले ये बात बोल दिया। इसलिए हमें चार वैष्णव संप्रदाय में किसी एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में हमें अंतर्भुक्त होकर के भजन करना पड़ेगा। चार जो वैष्णव संप्रदाय उसमें ऐसे नहीं जाने पर तुमको दीक्षा मंत्र दे देगी, है मांस मछली खा रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो, मंत्र दे देंगे नहीं, उनका प्रॉपर ठाकुर का सेवा पूजा, उनकी सब संप्रदाय में गले में कंठ देंगे, उनका तिलक है, सीताराम की कहीं सेवा, लक्ष्मी नारायण की कहीं सेवा, कहीं राधा कृष्ण की सेवा है, ये संप्रदाय प्रॉपर रूप में एकदम सही सही रूप में ये आपको भक्ति रास्ता में आपको लेकर के जाते हैं। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, चार संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो संप्रदाय है वो आया कहाँ से, भगवान से आया। जैसे हमारे संप्रदाय कहाँ से आई, सर्वप्रथम भगवान को दिव्य ज्ञान
ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास, व्यास मध्वाचार्य, ऐसे करते 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 ये संप्रदाय धीरे 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 यहाँ तक आए। श्री संप्रदाय से वहां पर माँ लक्ष्मी से ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उनका परंपरा धीरे 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 चलती है, हैं? इसलिए रामानंद संप्रदाय से वहां पर भगवान राम से वो संप्रदाय आता है, और सनक संप्रदाय और हमारे विष्णु स्वामी संप्रदाय, वहां से पूरा भगवान से ये विद्या को, ब्रह्म ज्ञान, ये गुरु परंपरा परंपरा में जगत में आता है, भगवान से साक्षात रूप में ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अगर कोई वो सही लाइन में खड़े हो तो एक दिन तुम्हारी नंबर मिलेगा, अगर आज तुम गलत लाइन में खड़े हुए जिंदगी भर खड़े होते जाओ, लाइन आएगी नहीं, क्यों? जहां पर तुमको मिल रहा है भक्ति वो तुम गलत लाइन में तुम खड़े हुए हो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसे वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के हमें दीक्षा बदलना पड़ेगा, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे हमारा सब समय ही दिव्य ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म के सर्व करीब, हम क्या करेंगे हर समय हमें ऐसे जो दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले श्री गुरुपाद पद्म, उनकी हम सेवा करेंगे। यदि हमारा गृह था कि ता है ले ओ, कते बारी सकल लोग मिलिया तार सेवा करियो। अगर हम घर में रह रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हम घर में रह करके क्या होगा, घर में जितने हमारे परिवार है समस्त परिवार को लेकर के क्या करना पड़ेगा, ठाकुर जी की गुरु जी की हमें सेवा करना पड़ेगा। इसलिए हमारा भालो भालो घर बाड़ी थे भगवान की और भक्तगण के राखी वो निजरा कुटी रे थाकी वो। कहते अगर हम घर में रहते हैं, अगर गुरु वैष्णव कहीं आते हैं क्या करो, उनको स्थान दे करके हमारे घर में साधु संतों का निवास हो, हैं? साधु संतों को निवास रहते दे करके, भले ही हम साधारण स्थान पर रह जाएंगे, लेकिन अगर साधु संत आएंगे तो उनको अच्छे जगह पर घर में, उनको अच्छे जगह पर उनको रखवाएंगे। इसलिए हमारे यदि नाथ खाइया भगवान के खावाई तबे तहार करनो पाबो, भले हमें कुछ नहीं मिले, हैं? भले हमें कुछ नहीं मिले, लेकिन पहले किसको क्या करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव ठाकुर को बढ़िया से खिला। कहते प्रभुपाद का समय में एक माता जी थी, क्या बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, उनने सुना साधु संतों की सेवा करने से भगवान संतों के हृदय में बैठ गए, अगर साधु संत खुश हो गए तो भगवान खुश हो जाए। एक समय क्या हुआ, प्रभुपाद को उन्होंने प्रभुपाद और उनको सेवकों को उन्होंने निमंत्रण दिया, जब निमंत्रण दिया उसको एक छोटी सी कुटिया थी, उसने साधु संत की सेवा के लिए ना अपने घर को भेज दिया, और जिसमें वो रहती थी उसने वो कुटिया को उन्हें बेच दिया। आज मेरे घर में संत लोग आ रहे हैं, संतों की सेवा की सौभाग्य सहज में नहीं मिलता है, भगवान हृदय में इनकी निवास करते हैं, अगर वो खुश हो गए तो ठाकुर खुश हो जाएगी, भले ही हम कैसे जीवन बिता देंगे लेकिन साधु संत की हम सेवा करेंगे। उन्होंने अपना घर बेच दिया, पूरा बेच करके वो पैसा से उन्होंने ये साधु संत की सेवा करा। जब कराया बाद में प्रभुपाद को पता चला, जिसने अपना घर को बेच दिया, हमारी वैष्णव को हमने सेवा करने के लिए घर उसने बेच दिया, जो प्रभुपाद को ये बात पता चला ना, प्रभुपाद रो गए, अरे वैष्णव की सेवा के लिए अपना घर को बेच दिया आपने, और घर को बेच करके ये साधु संतों की उसने सेवा करा है। अरे प्रभुपाद ने अपना आश्रम में उसको स्थान दिया, हाँ उनके लिए अलग एक है कुटिया बना करके, बोले माता जी जब तक ये जिंदा रहेगी, गुड़िया हो गई थी, जब तक ये रहेगी उसकी, उसके लिए इसी घर में वो रहेगी, क्योंकि उसने पूरा घर बेच दिया साधु संतों की सेवा के लिए, उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। इसलिए प्रत्येक जिनिष्टा भगवान यही विचारटी हमारे सब समय था। इसलिए कौन सा विचार हमारे हृदय में रहने चाहिए, सब कुछ ठाकुर जी का है, ये हमारे कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भगवान ने दिया है, ये सब कुछ भगवान की सेवा, साधु संत की सेवा के लिए ये हृदय में हमारी ये भावना रहनी चाहिए। जगत रे सकल
जिनिस भगवान रे सेवार लागाए थे पानी ले जिबेर साथ बताए। जगत में जितने सारे वस्तु, अगर ये सारे वस्तु को अगर हम भगवान की सेवा में लगा पाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ये सब कथा नीचे आचरण करिया प्रचार करता है वे। यदि ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, पहले आचरण करते हुए इस चीज को प्रचार करनी चाहिए। इसलिए हम दूसरों को केवल बोलेंगे नहीं, सब चीज भगवान की है, लेकिन अपना चीज अपना है, अपना चीज अपना है, सब कुछ भगवान के लिए नहीं। ये चीज पहले खुद को जीवन में आचरण करते हुए नहीं, जो कुछ है हमारी सब कुछ ठाकुर की सेवा के लिए, ये चीज को अपना जीवन में आचरण करो और दूसरों के लिए प्रचार करो। फिर क्या होगा, आचरण करते हुए जो प्रचार होगा वो प्रचार फिर हमारे जीवन में सही सही होगा। निर्भीक भावे सत्य कथा बोली तना कर ले गुरु गौरांग प्रसन्न हरिवृन्ना। अगर निर्भीक रूप में अगर सत्य बात को नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, गुरु और गौरांग भी खुश नहीं होएंगे, प्रसन्न नहीं होएंगे। क्यों, तुम झूठ बोल रहे हो, लोग को मन को रक्षा करते हुए नहीं, अगर ये सच बात बोलेंगे ये बिगड़ नहीं जाए, ये बिगड़ नहीं जाए हैं, ये इसलिए ऐसे नहीं, सच बात बोलो। हाँ, जो भाग्यवान व्यक्ति होगा अगर सच बोलेंगे ना, जो भाग्यवान व्यक्ति होगा, अरे एक व्यक्ति तो सच चीज को ग्रहण करेगा है, एक व्यक्ति तो सच चीज को ग्रहण करेगा। जो एक व्यक्ति सच चीज को ग्रहण करे तभी तो हमारी कल्याण है। अगर बोलेंगे नहीं प्याज लहसुन खाओ, चाय बीड़ी को सब पे फूको और भगवान की भक्ति करो, नहीं। अगर हम सही बात को बोलेंगे उसमें कम से कम अगर एक व्यक्ति अगर निकल जाए, नहीं आज से हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, चाय नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं फूकेंगे, हरि नाम करेंगे, अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध रूप में निकले गया फिर क्या होगा, उसको उसको एक व्यक्ति का कल्याण हो गया ना। लेकिन उनके मन जैसे चाहते हैं, हाँ प्याज प्याज लहसुन खाना चलेगा, बोले हाँ खाओ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं प्याज लहसुन खाओ है, नहीं इसको एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसी चीज को चाय धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली एक दिन तुमको छोड़ना पड़ेगा तुमको। इसलिए ये सब कथा नीचे आचरण करी हत, निर्भीक भावे सत्य कथा बोली ते ना पारिले गुरु गौरांग प्रसन्न आई बना। जहारा भक्ति शक्ति और दृढ़ता जत्तो बेसी तिनी तत्तो निर्भीक प्रचार। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते ये निर्भीकता कब 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 व्यक्ति ये निर्भीकता को प्राप्त कर सकता है, कर जिसकी भक्ति दृढ़ता है ना, जिसकी भक्ति स्वयं भक्ति को दृढ़ रूप में करता है। अगर जो स्वयं चाय पीता है तो दूसरों को थोड़ी बोल सकता तुम चाय मत पियो, जो प्याज लहसुन खुद खाता है दूसरों को थोड़ी बोल सकता है तो प्याज लहसुन मत खाओ, जो खुद भजन नहीं करता है दूसरों को बोल नहीं सकता है नाम करो भजन करो, लेकिन जो खुद करता है वो दूसरों को बोल सकता है, नहीं ये चीज को छोड़ो। इसलिए प्रभुपाद कहता है जिसको जितने भक्ति शक्ति है वो उतना दृढ़ता पूर्वक है निर्भीक को प्रचार को वो खुद कर सकता है, खुद कर सकता है। अगर जो स्वयं इसके भक्ति दृढ़ता नहीं वो कभी दृढ़ता पूर्वक वो बात को बोल नहीं सकता है। लोकर काछे निरपेक्ष सत्य कथा बोली ले पाछे वहा लोकर अप्रिय है, यही भय यदि सत्य कथा ना बोली ता होले तो आमी स्रोत पद परित्याग करिया अस्रोत पद ग्रहण करिला ता होले आमी नास्तिक व वंचक होला। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर हम निरपेक्ष नहीं होकर के लोग को बोलने पर लोग हमारे पर नाराज हो जाएंगे, अगर सच बात बोलो लोग हमारे पर नाराज हो जाएंगे, अगर इस चीज को सोच करके अगर सत्य तथा हम नहीं बोलते हैं फिर क्या होगा, हमने सच रास्ता को छोड़ करके हमारे जो स्रोत परंपरा हमारी जो गुरु परंपरा है हम ये गुरु परंपरा को परित्याग करते हुए हमने अस्रोत पथ ग्रहण किया, गलत रास्ता को हमने हमने ग्रहण किया है। इसलिए क्या होगा स्वयं उसमें क्या होगा, स्वयं खुद नास्तिक बनेंगे और खुद वंचक बन जाएंगे, स्वयं वंचित हो जाएंगे
और दूसरों को भी वंचित करेंगे, हम भी स्वयं नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहता कहते ही नहीं, क्या बोलो सच बोलो, क्या बोलो सच बोलो, और भले ही लोगों को अप्रिय हो, लोग नाराज हो, तब भी आप सच बोलो। और एक व्यक्ति भी भक्ति शुद्ध भक्ति में आएगा तो एक व्यक्ति के द्वारा ही हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है जो शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करे। गौर ब्रह्मानंदे।